नमस्कार दोस्तों, शिवाशक्ति तंत्र रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि मंत्र के माध्यम से आज्ञा चक्र का जागरण कैसे किया जाता है, यानी कि छठे चक्र आज्ञा चक्र का जागरण कैसे किया जाता है, और जागरण होने के बाद आप सामने वाले व्यक्ति के विषय में जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं, उस पर किस शक्ति का प्रभाव है, कितने समय से है, किन कारणों से है, समय सीमा क्या है आदि की जानकारी आप छठे चक्र जागरण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आपको जानकारी देंगे बगैर मंत्र के माध्यम से छठे चक्र आज्ञा चक्र यानी त्रिनेत्र का जागरण कैसे किया जाता है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप स्नान से निवृत्त होकर के आप अपने आसन का प्रयोग करेंगे। आसन पर आसीन हो जाइए। दिशा जहाँ तक हो सके आप पूर्व दिशा रखें या दिशा उत्तर रखें। सर्वप्रथम आप गुरु स्मरण करें। अगर आपके पास गुरु है तो गुरु का स्मरण करें। अगर गुरु स्मरण नहीं है तो आप भगवान शिव का स्मरण करें और अपने इष्ट का स्मरण करें। अगर आप इष्ट नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अपने कुल देवता आदि का स्मरण करें। उसके बाद आप आसन पर आसीन हो जाएं, यानी कि बैठ जाएं। आसन पर बैठने के बाद आपको आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान करना है, छठे चक्र पर ध्यान करना है। बिल्कुल शांत बैठ जाना है। बैठने के बाद आप अपनी कमर की हड्डी बिल्कुल 90 डिग्री पर रखें, बिल्कुल सीधी रखें। सिर को हल्का सा ऊपर रखें। इसके बाद आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं और गहरी गहरी सांस लेते रहें। कम से कम 10 मिनट 5 मिनट तक लंबे समय तक गहरी सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। ये प्रक्रिया आपको रात में करनी है, यानी कि 10 बजे के बाद आपको करनी है। और आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे। कमरे में हल्की सी मध्यम लाइट रखनी है। आपके कमरे के जो बल्ब है या किसी प्रकार की कोई उजाले वाली वस्तु है, आप उसको बिल्कुल लो कर दें, जिससे कि आपकी आंखों पर उसका प्रभाव ना आए। आप मध्यम रोशनी रखें। किसी भी चीज़ पे ध्यान न लगाएं, सिर्फ आप अपने आज्ञा चक्र को देखते रहें। जैसे ही कुछ दिन बीतेंगे, कुछ नित्य प्रयास करते रहें, कुछ दिन बीतेंगे, आपके आज्ञा चक्र पे कुछ अजीब सी रोशनियाँ दिखनी चालू हो जाएंगी। वो सफ़ेद भी हो सकती हैं, हरी भी, नीली भी, पीली भी, किसी रंग की हो सकती है। आप उसी पर ध्यान टिका के रखें। धीरे धीरे आपके त्रिनेत्र का जागरण होता जाएगा। आपको इसमें किसी कवच की आवश्यकता नहीं है, किसी सुरक्षा मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी प्रकार से भयभीत नहीं होना है। आपको बैठते ध्यान की स्थिति में कुछ दृश्य भी दिखाई दे सकते हैं, आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, आपके कान में आवाज़ भी आ सकती है, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है। इससे किसी प्रकार का आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। वो आपके आज्ञा चक्र में होने वाली हलचल होगी, आप उससे परेशान मत हो। धीरे धीरे ये स्थिति बढ़ती जाएगी। आप इस अनुभव को समझते रहें, भयभीत मत हो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी इच्छा के अनुसार आपके आज्ञा चक्र में वो दृश्य दिखने चालू हो जाएंगे, जो दृश्य आप देखना चाहते हैं, किसी संबंधित व्यक्ति के विषय में जानना चाहते हैं, वो दृश्य आपको दिखना चालू हो जाएगा आपकी इच्छा के अनुसार। बस मेहनत करने की आवश्यकता है, एक नियम की आवश्यकता है। आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, लेकिन रात को करना अनिवार्य है, 10 बजे के बाद। समय सीमा आप 20 मिनट 30 मिनट रख सकते हैं। इसमें आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस शांत मन से बैठे रहना है, बस अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है। कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इस तरह आप करते रहिए और अपना अनुभव देखिए। भाइयों, आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।